जनता फिर तो पब्लिक जी न्यूज यानी कि ग्वालियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की हेडलाइन। सीएम शिवराज ने शहर वासियों को दी करोड़ों की सौगात। मेला ग्राउंड में उमड़ा भीड़ का सैलाब। भीड़ देखकर शिव हुए गदगद। अनेक कार्यों का हुआ भूमि पूजन तो वहीं कुछ का हुआ लोकार्पण। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार 8 मई को सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा मेला ग्राउंड में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा करने के साथ साथ DNULM जिला प्रशासन नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे कई कार्यों का लोकार्पण किया गया। तो नए कार्यों की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए शिला पट्टिकाओं का अनावरण सीएम ने रिमोट द्वारा किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अवैध शब्द दिल में चुभता है और मन को पीड़ा देता है, इसलिए मध्य प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। ग्वालियर की धरती से इस दिशा में मध्य प्रदेश में आज एक नया इतिहास रचा जा रहा है। श्री चौहान ग्वालियर में अवैध कॉलोनी के नियमितीकरण के प्रदेशव्यापी अभियान के शुभारम्भ समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में चिन्हित 6000 अवैध कॉलोनियों में से 4624 कॉलोनी प्रथम चरण में वैध होने जा रही। इनमें ग्वालियर शहर की 63 और डबरा की 58 कॉलोनी शामिल हैं। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। मंगलवार को यहां मेला परिसर में आयोजित हुए भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं अन्य अतिथियों ने इस अवसर पर सौगातों का पिटारा खोलकर लगभग 975 करोड़ लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। पंच से प्रतीक स्वरूप जरूरतमंद को पक्के घर की चाबी सौंपी और सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 80 करोड़ रुपए वितरित किए। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजना के तहत पंजीकृत हितग्राहियों को पंजीयन कार्ड भी इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा वितरित किए गए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई से प्लॉट खरीदकर मकान बनाए हैं, उन्हें अब वैधानिक रूप से इसका मालिकाना हक मिलेगा। वे अपनी संपत्ति खरीद बेच सकेंगे, साथ ही मकान के विस्तार के लिए बैंक से लोन भी ले सकेंगे। उन्होंने कहा वैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के माध्यम से अवैध कॉलोनियों के निवासियों को सम्मान पूर्वक जीने का हक दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नियमों में और सरलीकरण किया जाएगा जिससे सभी कॉलोनियां वैध हो सके। गरीब को आवासीय जमीन का मालिक बनाने और उन्हें पक्का घर बनाने का फैसला भी केंद्र एवं राज्य सरकार ने किया है। अगले 4 साल के भीतर हर गरीब को सरकार पक्का घर बनाकर देगी। उन्होंने कहा असंगठित श्रमिक कल्याण योजना आम जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। श्री चौहान ने श्रमिक कल्याण योजना के तहत मजदूर परिवार को मिलने वाले विभिन्न प्रकार के लाभ पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। प्रदेश सरकार सुविधाओं के साथ साथ कौशल उन्नयन एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आमदनी भी बढ़ाएगी। उन्होंने कहा सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मात्र 200 रुपए प्रति माह बिजली का बिल अदा करना होगा।
शिक्षा मुहैया कराने के लिए ग्वालियर में 43 करोड़ रुपए की लागत से श्रमोदय विद्यालय बनकर तैयार हो गया है। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक की फीस भरने का निर्णय कर लिया है। श्री चौहान ने आम जनता के कल्याण के लिए शुरू की गई अन्य योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। गरीब मकान बना सके, मध्यम वर्ग की निर्गम की भाग्य मकान बना सके, इसकी योजना तो लोग अभी लेके आए नहीं। ये योजना बनाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। कांग्रेस के जमाने में क्या होगा, मिडिल क्लास का भाग्य मध्यम वर्ग की निम्न मध्यम वर्ग की, अब गरीब का मध्यम वर्ग का मकान बने चाहता है। जीवन में क्या सोचे, एक छोटा सा अपना भरोसा बन जाए, मकान बन जाए, तो योजना कांग्रेस की सरकार ने बनाई। और इतने मेरे गरीब भाई पे वो तो गरीब मकान पे रह गए, लेकिन निम्न मध्यम वर्गी मध्यम वर्गी जहां गुलाब गुलाब लगी, कहीं एक छोटा सा प्लाट खरीद लिया, प्लाट खरीदा, पैसे लिए और पैसे लेने के बाद जिंदगी भर की कमाई से अपना घरौना बना लिया, छोटा सा मकान खड़ा कर लिया। और जब वो मकान खड़ा हो गया तो उस जमाने में कह दिया गया ये अवैध कॉलोनी है। मैं 15-50 साल तक जिन्होंने राज किया है उन कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ, तुमने अवैध मकान की योजना तो नरेंद्र मोदी जी की तरह बनाई नहीं, शिवराज सिंह चौहान की तरह बनाई नहीं, और जिनने जिंदगी भर की कमाई खर्च करके मकान बना लिया वो कॉलोनी अवैध घोषित कर दी गई। मेरे बहनों और भाइयों, ये अवैध शब्द गाली जैसा है, यह अवैध शब्द दिल में चुभता है, यह अवैध शब्द मन को पीड़ा देता है। और इसे आज के लिए कहने आया हूं ग्वालियर वालों से भी और ग्वालियर के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियों में निवास करने वालों से, आज एक नया इतिहास सजा जा रहा है। आज से अवैध कॉलोनियां बैन कर जाएगी, अवैध नाम की गाली से अवैध नाम की बजाती हमारे कारण भी बासुओं को लगती थी, उससे मुक्ति का दिन है आज। क्या हमने कोई बात किया है, क्या हमने कोई गड़बड़ की है, अपनी जिंदगी भर की कमाई से हमने छोटा सा मकान बनाया। आप जान तो हमें मेरे प्रदेशवासियों, जब मैं नगर निगम के चुनाव में नगर जगह पालिका के चुनाव में जगह जगह गया था, ग्वालियर से घर ये बात आई थी हमारी कॉलोनी को बैन कर दो। अगर कॉलोनी कितनी दिक्कतें और तकलीफ है, मूलभूत सुविधाएं बन नहीं सकती, सड़क ठीक चले, बिजली ठीक चले, पानी ठीक चले, विकास के काम हो नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है पैसा देकर संपत्ति खरीदी, लेकिन संपत्ति का वैधानिक मालिकाना हक नहीं हमारे पास। हम अपनी संपत्ति को वैधानिक रूप से बेच नहीं सकते, कोई खरीद नहीं सकता। क्या बात किया भाई, हमने कैसी यह व्यवस्था थी, संपत्ति का मालिकाना हक हमारे पास नहीं था। नवीन निर्माण पुनर्निर्माण उनकी अनुमतियां हमको नहीं मिलती थी, निर्मित संपत्तियों पर वैधता प्राप्त हमको नहीं थी, विकास के कामों की योजनाएं क्रियान्वयन में कमी होती थी, मुख्य धारा में विकास की हम जुड़े नहीं थे, क्योंकि हम अवैध कॉलोनी वाले थे। हम अगर प्लाट खरीद के मकान बनाना चाहे तो बैंक लोन देता नहीं था, क्योंकि वो अवैध कॉलोनी थी। अवैध टैक्स से हम ग्रसित थे मेरे बहनों भाइयों, और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमने खो दिया था। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ये घोषणा करता है कि प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को विधिवत बैध कर दिया जाएगा, जिसका अभियान आज ग्वालियर की
कार्य का उद्योग चिंता मत करना, केवल 43 नहीं 43 जो शुरुआत है, 600 से ज्यादा अवैध कॉलोनी निकालने में है, अकेले कमरा में 58 अवैध कॉलोनियां है और पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर देखो तो 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों में लाखों लोग रहते हैं, वो भी इंसान है, उनको जीने का हक है, उनको मुस्कुराने का अधिकार है और इसलिए आज से मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। बाकी जी बाई बाबू सुविधाएं सड़कों का इंतजाम वैधानिक रूप से किया जाएगा, आप उसको बेच सकेंगे, कोई दूसरा उसको सरवाई के साथ खरीद सकेगा, नई अनुमतियां निर्माण के साथ की जा सकेगी, सारी वैधता जो गैर कानूनी होगी वो एक अगर कानूनी में दी जाएगी। हम लोगों की जिंदगी में नए हम घटने आए हैं, आज एक तरफ अवैध कानूनी को वैध करने का भी काम हो रहा है, ये सभी जयकार कानूनिया वैध की जाएंगी। मामी जी ने भी आपको बताया, आपने पिछले इंजेक्शन में देखा, जो पिछले इंजेक्शन आपके सामने हुआ अत्यंत प्रक्रिया सरल कर दी गई है और इसलिए उसकी प्रक्रिया प्रारंभ आज हो रही है, लेकिन केवल अवैध कानून वैध नहीं जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरे बहनों भाइयों, मेरे गरीब बहनों भाइयों, किसी जाति के हो किसी समाज के हो, क्या क्या कांग्रेस है मैं पूछना चाहता हूँ, इतने वर्षों तक तुमने शासन किया, गरीब तरफ का रहा और तुम गरीब हिमालय लगा के, अरे गरीब कैसा है? मेरे बहनों भाइयों, गरीब दो तरह से हटेगी, एक गरीबों की आमदनी बढ़ाओ और दूसरे गरीब को सुधारो। मेरे बहनों भाइयों, आज जब हम अभियान चला रहे तो हम सवाल नहीं उठा, कांग्रेस के बुजुर्ग नेता ये कह रहे थे एक एक घर में दो दो मजदूर हो गए, क्यों मजदूरों को हम सुविधा दे रहे हैं तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, बच्चों को लेकर मैंने सामान्य परिवार का मैं प्रधानमंत्री की सामान्य गरीब परिवार का कर मैं देखकर हमने कहना भाई और जैसे परिवार में देखा होगा एक तरफ चंद बच्चे ऐसे होंगे थे जो पैदा होने के बाद गगन सिंह जैसे तारिका में कई ऐसे के बेटे बेटी जिनको रहने का मौका नहीं। आज वो दिन आया है बहनों भाइयों, ये जो मेरे मजदूरों की योजना है, असली मजदूरों की योजना, इस योजना के अंतर्गत जो बेस्ट कंपनी किए नंबर पे मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के टुकड़े के नहीं रहेगा, हर गरीब जमीन का मालिक बनाया जाएगा। और आज ग्वालियर की पवित्र धरा पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ हर गरीब को रहने की जमीन का मालिक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एक बार जोर से बनना चाहिए कि नहीं? धरती से अवैध कॉलोनी का कलंक मिटने जा रहा है, इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व प्रदेश सरकार साधुवाद के पात्र है। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की पावन धरा पर नए इतिहास का सृजन हुआ है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने असंगठित कामगारों की चिंता की है, सही मायने में इस योजना के माध्यम से दरिद्र नारायण की सेवा होगी। श्री तोमर ने कहा कि संपूर्ण देश के साथ साथ ग्वालियर में भी बिना घर के कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, केंद्र व राज्य सरकार मिलकर हर जरूरतमंद को घर मुहैया कराएगी। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा सक्रिया परिवार की महिलाओं को कुपोषण मुक्त करने के लिए शुरू की गई पेंशन योजना की सराहना भी की।
साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक और बेहतर ढंग से 14 अप्रैल से 5 मई तक ग्राम स्वराज अभियान का संचालन किया गया। नगर निगम IHS DPA एवं राजीव आवास योजना अंतर्गत 1896 आवासीय इकाइयों का निर्माण एवं अधोसंरचना विकास कार्य का लोकार्पण, लागत 79 करोड़। सिटी सेंटर में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य लागत 10 करोड़। पुलिस हाउसिंग 270 प्रशिक्षणार्थियों हेतु छात्रावास, प्रशासनिक भवन, सिमुलेटर हॉस्पिटल, 13वीं वाहिनी, विसल बल ग्वालियर, फुटबॉल हॉकी ग्राउंड, रनिंग ट्रैक, एडवांस ऑब्स्टेकल कोर्स एवं बेसिक ऑब्स्टेकल कोर्स, 13वीं वाहिनी विसवल ग्वालियर, ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड डाटाबेस सेंटर मलगढ़ा, थाना भवन पड़ाव ग्वालियर एवं यातायात थाना भवन लश्कर ग्वालियर। कुल लागत लगभग 144 करोड़। PIL क्षेत्रीय वाहन कार्यालय एवं ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कार्य लागत 11 करोड़ 73 लाख। परिवहन आयुक्त कार्यालय का निर्माण लागत लगभग 10 करोड़। नगर निगम स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता 10 मेगावाट। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 792 आवास निर्माण एवं अधोसंरचना विकास का सीवरेज सिस्टम एवं STP जलालपुर ग्वालियर तिगरा से जलालपुर तक 1600 मिलीमीटर व्यास की PSC पाइप बिछाने का कार्य, WTP जलालपुर अवैध कॉलोनी को वैध पश्चात विकास कार्य, कुल लागत 1063.28 करोड़। पुलिस हाउसिंग निर्माण कार्य 144 अराजपत्रित 432 आरक्षक बहुमंजिला आवास गृह, कुल लागत लगभग 122.62 करोड़। PIU JR मेडिकल कॉलेज के MBBS की 1500 से 250 सीटों का अपग्रेडेशन 112 करोड़। GR मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट का निर्माण लागत 2 करोड़ 16 लाख। प्रधानमंत्री आवास योजना से 2600 नवासी हितग्राहियों को 26.50 करोड़ की मदद, NULM से 1100 हितग्राहियों को 48 लाख की मदद, डबरा प्रथम चरण में 58 कॉलोनियां वैध करने की कार्यवाही शुरू हुई, लगभग 12000 आबादी लाभान्वित, 47 विकास कार्यों पर 8 करोड़ 46 लाख होंगे खर्च। वन विभाग तेंदुपत्ता संग्राहक वितरण योजना 2028 हितग्राहियों को लगभग 99 लाख की सहायता, तेंदुपत्ता संग्राहकों को पानी पीने के लिए पानी की बड़ी बोतल, महिला को चरण पादुका एवं साड़ी एवं पुरुषों को जूते सौंपे। श्रम विभाग 12,06,000 श्रमिकों को पंजीयन पत्र, आवासीय पट्टा 9,032 ग्रामीण एवं 654 शहरी परिवारों को मिले आवासीय पट्टे, जनहित कार्य विभाग 7,842 शहरी आदिवासी महिलाओं को 78,82,000 की मदद, महिला बाल विकास प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 9,444 महिलाओं को 94,47,000 की मदद। खबरों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।